एन एटम और द एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा डेफिनेशन है जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड वैलेंस, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कंबाइन एक्चुअल नंबर कोई भी हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, छह हो सकता है, ऐसे केस में वैलेंसी वेरिएबल होती है। कई बार वैलेंसी आपको एक ही होगी, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, क्लोरीन की वैलेंसी एक होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी एक होती है, आयोडीन की वैलेंसी एक होती है, लेकिन सल्फर की वैलेंसी दो, चार और छह होती है, फास्फोरस की वैलेंसी तीन और पांच होती है। इस तरह से वैलेंसी इनका वेरी करता है। ये बात अलग है कि हायर क्लास में आप स्टडी करोगे तो वो डी डी ट्रांजिशन होता है, वहां इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल में इंटर होना वेरिएबल वैलेंसी को सपोर्ट करता है। लेकिन हम यहां पर सिर्फ इतना जानते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग लेता है वही वैलेंसी है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड बात पर आगे और वैलेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम उससे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका पहला पॉइंट था वैलेंसी वन, वैलेंसी वन में क्या क्या था, पॉजिटिव क्या था, सिंबल सोडियम का Na+, पोटासियम का K+, आपको तो ये मालूम होगा, पोटासियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर का Cu1, Cu+, सिमिलर माइनस में चाहिए हाइड्रोजन का H-, H, Cl का Cl-, Br का Br- और I का I-। ये सभी वन वैलेंसी वाले हैं। कंपाउंड में चाहिए मोनो, ये मोनो एटॉमिक है, पॉजिटिव यहाँ पर, ये निगेटिव। हाँ बोलो सर, कॉपर का मतलब सर एक जगह एक वैलेंसी है, दूसरी जगह टू वैलेंसी है। हाँ मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको ये भी बताया था कि जिस एटम एंड में डी ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन का डी डी ट्रांजिशन होता है, उसके कारण उसकी वैलेंसी चेंज होती है और कभी अलग अलग होता है। जैसे SO2 में सल्फर का चार वैलेंसी है, H2SO4 में सल्फर की छह वैलेंसी है, तो वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड में वैरी करती है। जैसे PCl5 में फॉस्फोरस की पांच वैलेंसी है, जबकि PCl3 में फॉस्फोरस की तीन वैलेंसी है, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ठीक है बच्चों। वैसे कॉपर में वन है और टू भी है, अभी आप देखेंगे टू वैलेंसी में जाएंगे, उससे पहले अभी केवल वन वैलेंसी वाले काम लिख रहे हैं। वन वैलेंसी में तो देखिए ये मेटालिक आयरन हो गया, कौन सा आयरन हुआ, मेटालिक आयरन, ये तो है क्या हो जाएगा नॉन मेटालिक आयरन, ठीक है, मेटालिक आयरन नॉन मेटालिक। अब पॉली एटोमिक, पॉली एटोमिक में क्या क्या आ जाएगा, सिंगल वैलेंसी वाला अमोनिया प्लस NH4+, दूसरा क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी OH-, तीसरा क्या हो सकता है NO3- NO2- और क्या हो सकता है HCO3-, इसका नाम क्या है अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइटी आर आई टी नाइट्राइट, और ये हो गया बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट भी हो सकता है एच एस ओ फोर माइनस, ये हो गया बाइसल्फेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड भी हो सकता है एच एस ओ थ्री माइनस, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड भी होगा। अब आपको इस बात में ध्यान देने की जरूरत है कि ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन, सीएल क्लोराइड आयन, ब्रोमीन आयन, आयोडीन, सिल्वर, कॉपर, ये सारे यूनिट वैलेंसी के हमने आपको बताए। अब आइए जिसकी वैलेंसी दो होती है वो क्या, अब जिसकी वैलेंसी एक हो गया, चलिए अब हम आपको दो वैलेंसी में चलते हैं, वैलेंसी, वैलेंसी टू होगा तो उसका क्या क्या हो सकता है,
इसके मेटल आयन देख लीजिए, मेटल आयन, नॉन मेटल आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक, मेटल आयन, नॉन मेटल आयन एंड पॉलीएटॉमिक। चलिए मेटल आयन में क्या क्या होगा, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम टू पॉजिटिव, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, कैल्शियम जिंक टू पॉजिटिव, उसके बाद आयरन Fe2 पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव, ये सब कॉपर, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, आयरन आयन एंड कॉपर, इसकी दो दो चार डायग्राम्स। अब चलिए दूसरा हो जाएगा नॉन मेटल में ऑक्साइड एंड सल्फाइड। नॉन मेटल में ऑक्साइड टू निगेटिव, सल्फाइड टू निगेटिव, ये सब। अब पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, एसओ फोर टू माइनस, सल्फेट टू माइनस, सल्फेट, सल्फेट, उसके बाद क्या हो सकता है, कार्बोनेट सीओ थ्री टू माइनस, कार्बोनेट, सुन लीजिए कागज पेन भी तैयार रखिए, कार्बोनेट, आर यू एबल टू सी और नॉट, तुम देख पा रहे हो? Yes, sir. हाँ ठीक, कार्बोनेट सीओ थ्री माइनस, सल्फाइड एसओ थ्री टू माइनस, मतलब दो दो वैलेंसी भरा, ये हम केवल कह रहे पॉलीएटॉमिक है, इसमें पांच एटम है, इसमें भी चार एटम है, इसमें भी चार एटम है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट्स, हमने आपको दे दिया वैलेंसी एक और वैलेंसी दो। लेकिन बच्चों अब वैलेंसी तीन का काम बचा हुआ रह गया, वैलेंसी तीन, वैलेंसी तीन, वैलेंसी तीन में क्या क्या हो सकता है जरा वो देखिए। इसमें भी दे दीजिए मेटल आयन क्या हो गया, नॉन मेटल क्या हो जाएगा, एंड पॉलीएटॉमिक क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक। इसमें क्या क्या हो जाएगा मेटल में, जरा ध्यान देने की बात है, मेटल में एल्युमिनियम एल थ्री प्लस, आयरन फेरिक हो जाएगा एफ थ्री प्लस, नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, नाइट्राइड एन थ्री माइनस, नाइट्राइड एन थ्री माइनस होगा। पॉली एटॉमिक में क्या हो जाएगा, पीओ फोर थ्री माइनस, पीओ फोर थ्री, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, जिसका वैलेंसी तीन होता है वो एल्युमिनियम है, आयरन है एंड नॉन मेटल में नाइट्रोजन है, नाइट्राइड हो गया थ्री चार, और यहां पर हो जाएगा पॉलीएटॉमिक फॉस्फेट। नाम आपको लिखना जरूरी है, ये कार्बोनेट है, ये सल्फाइड था, ये सल्फेट था, यहां फॉस्फेट है, फॉस्फेट, 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 पी एच ओ एस पी एच ए टी, फॉस्फेट, ये हो गया नाइट्राइड, नाइट्राइड ठीक, डी, और ये हो जाएगा एल्युमिनियम आयन, आयरन। अब बच्चों तुम्हें वैलेंसी एक, वैलेंसी दो और वैलेंसी तीन के बारे में मैंने बताया, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यह है कि वैलेंसी एक दो एवं तीन, तीनों को आप सेट करोगे और उसी से हम लोग वन बाय वन बढ़ते जाएंगे। आप देखिए कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, कैसे हमने आपको वैलेंसी यूज किए बिना नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हमें लिखना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कैसे लिखे, एनए का सोडियम क्लोरीन सी एन, बस हमें सबसे पहले जो कंपाउंड जो लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका हम सिंबल लिखेंगे, अब उसके बाद बैलेंसी लिखेंगे। सोडियम की बैलेंसी एक, क्लोरीन की बैलेंसी एक, इसका एक यहां आ जाएगा, इसका एक यहां आ जाएगा, ये एक्सचेंज ऑफ है, ये हो जाएगा एन ए वन सी एल वन, ये सबस्क्रिप्ट में होगा, नंबर हमेशा सबस्क्रिप्ट में होता है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे मिटा देते हैं, वन लिखने की जरूरत नहीं है, एन ए सी एल। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, जरा कैल्शियम क्या होता है सी एंड क्लोरीन क्लोराइड का क्या हो जाएगा सिंबल सी एन। अब देखिए मेरा पहला काम हुआ सिंबल लिखो,
दूसरा काम होगा बैलेंसी लिखो, तीसरा काम होगा एक्सचेंज करो, ठीक। ध्यान रखिए क्या क्या करोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने में, पहले सिंबल लिखो, दूसरे बार बैलेंसी लिखो, तीसरी बार एक्सचेंज करो, फार्मूला हो गया। अगर इस तीनों सीक्वेंस को गलत करोगे तो गलत होगा। पहला सिंबल कैल्शियम, हाँ बोलो सर, जैसे बोले कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का सर दो, एक वन का, एक वन बैलेंसी होता है, एक दो बैलेंसी होता है, हाँ दोनों में सर कैसे लिखें? अभी देखिए ना वही तो बता रहे हैं, हाँ कैल्शियम लिखा, सिर्फ पहला काम क्या किया सिंबल लिखो, दूसरे बार बैलेंसी लिखो, कैल्शियम की दो बैलेंसी है और क्लोरीन की एक है, जिसका बैलेंसी उसी के नीचे लिखो। अब क्या करोगे एक्सचेंज करो, एक्सचेंज करने में क्या होता है कैल्शियम की बैलेंसी क्लोरीन में जाएगी और क्लोरीन की बैलेंसी कैल्शियम में, तो क्या हो जाएगा सी ए वन एंड सी ए टू। अब वन तो लिखने का जरूरत नहीं है इसलिए हम लिखते हैं सी ए सी एल टू, समझ में आया। अब बच्चे जरा ध्यान, तीसरा केस है अल्मीनियम ग्रुप, अल्मीनियम क्लोराइड, हाँ तेरा ध्यान दे, सबसे पहले हमारा काम होगा सिंबॉलिक, सिंबॉलिक दिया अल्मोनियम एंड क्लोराइड सी, दूसरा होगा वैलेंसी ईट, तीन वैलेंसी होता है अल्मोनियम का, क्लोरीन का एक वैलेंसी, तो पहले क्या दिया सिंबॉलिक, दूसरा हुआ वैलेंस ईट, तीसरा होगा एक्सचेंज ईट, एक्सचेंज करो तो एल वन सी एल थ्री, वन को छोड़ दो एल सी एल, समझ में आ रहा है बच्चों? हम सब बनाएंगे चिंता मत करो, उतना बना देंगे जितना सोचना भी हमारे गुना है, हम इसकी संख्या हजारों में जा सकते सैकड़ों, वेट। अब चलिए अल्मोनियम का आपको समझने के लिए बता दिया, ऐसा कर सकते, हर चीज बताने के पीछे मेरा एक मकसद, उसके पीछे कौन क्वेश्चन के बाद कौन बताना हमारा मकसद। अब इसके बारे में चलते सोडियम हाइड्रोक्स, सोडियम हाइड्रोक्स, सोडियम का हेने होता है, हाइड्रोक्साइड का हुआ होता है, सिंबॉलिक कर दिया फंक्शनल, इसका भी वन होगा, इसका भी वन होगा, एक्सचेंज इट एन ए वन ओ एच वन, जब वन को हटा ओ एच दो है, इसलिए अगर ओ एच वन लिखते हैं तो धोखा हो जाएगा, हम एच को वन लिख रहे हैं, ओ को तो कुछ लिखा, इसलिए जब दो बड़ा होगा तो ब्रैकेट में एन ए वन ओ एच वन को हटा दीजिए एन ए ओ एच, बात खत्म, ओके। सेम सेम वे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्स, कैल्शियम हाइड्रोक्स, अब आपको दिया गया कैल्शियम का क्या होता है सिंबल किया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की बैलेंसी ओ एच की बैलेंसी एक, एक्सचेंज किया क्या हो जाएगा सी ए वन ओ एच टू, इसको ब्रैकेट डालकर टू लिखना जरूरी है क्योंकि आप दो मल्टीप्लाई कर रहे हो हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को बोथ, इसलिए वन हटेगा मॉलिक्यूलर में फॉर्मूला होगा सी ए ओ एच। सिमिलरली एल ओ एच होल थ्री ब्रिज, अब आते हैं दूसरे, हमें हाँ बोल हाँ अब मेरी बात सुनो, पता आपको ऐसे चलेगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेटल है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये नॉन मेटल है नेगेटिव, याद रखे मेटल और नॉन मेटल ही रिएक्ट करेगा, सोडियम और कैल्शियम रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम और कैल्शियम कंपाउंड नहीं बनेगा, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, जब भी कंपाउंड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से कंपाउंड बनेगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना जरूरी है, दो मेटल इसलिए कंपाउंड नहीं बनाएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों नॉन मेटल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेता है, याद रखें दोनों देने वाले या दोनों लेने वाले दोनों भिखारी एक दूसरे को नहीं दान देगा, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे को बोलेगा अल्लाह के नाम पे दे दो, दूसरा बोलता है खुदा के नाम पे दे दो, देगा कोई नहीं, दोनों मांगने वाले इकट्ठे हो,
या दोनों देने वाले हो गए तो कोई लेने वाला नहीं होगा। इसलिए एक देने वाला होना चाहिए, एक लेने वाला होना चाहिए। तो मेटल के साथ नॉन मेटल का कंपाउंड बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देगा। अल्टीमेट थिंग इज दैट ओनली यू विल गो इन द केस ऑफ शेयरिंग, जहां पर अलग बॉन्ड बनेगा। लेकिन ध्यान रहे यहां पर आपको अलग अलग कंपाउंड कैसे बनेगा ये याद रखना होगा। सोडियम का सिंबल, ये सब सिंबल, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्सी नाइट्रेट नाइट्राइट बाइकार्बोनेट बाइसल्फेट बाइसल्फाइट 220 सल्फेट कार्बोनेट सल्फाइट आयन्स फॉस्फेट आयन्स, ये सब सिंबल आपको याद रखना जरूरी है। क्या मैं अब इसको जरा मिटा के कुछ लिखने की कोशिश करूं? 220 हाँ बोलो सर। एक कॉपर के साथ मैंने बनाई थी, हम बना देते बहुत सारा कंपाउंड बना देते। वेट, अब आपको इसको याद रखना है, ठीक है? अब जरा सुनो, कॉपर क्लोराइड सुपरस्टार क्यूपरिक क्यूपरस क्लोराइड क्यूपरिक क्लोराइड और क्या कह सकते हो कॉपर सल्फेट और क्या लिखोगे कॉपर ऑक्साइड और क्या लिखोगे कॉपर कार्बोनेट और क्या लिखोगे कॉपर नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट और क्या लिखोगे कॉपर नाइट्रेट और क्या लिखोगे कॉपर बाइकार्बोनेट। और तो कॉपर बाइकार्बोनेट कॉपर बाय सल्फेट जो भी मर्जी होगा हम लिख देंगे, एक एटम को ले लेंगे सारे आयन सुधार के। क्यूपरस क्लोराइड में कॉपर की वैलेंस शीट 2 होती है और क्लोरीन की 1 और 2 एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा CuCl। क्यूपरस क्लोराइड में कॉपर एक जगह कॉपर की वैलेंसी 1 होगी Cu और दूसरे में Cl, दोनों में 1-1 हो जाएगा तो CuCl भी बनेगा। CuCl और CuCl2 दोनों बन सकते हैं। कॉपर सल्फेट में Cu है और SO4 है, कॉपर की वैलेंसी 2 है सल्फेट की वैलेंसी 2 तो क्या आ जाएगा Cu2 SO4O2, बात दोनों दोनों कैंसिल CuSO4 बन के रह जाएगा कॉपर सल्फेट। बातों जरा इसमें ध्यान दे, कॉपर ऑक्साइड Cu है ऑक्सीजन, कॉपर की वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 2 तो CuO बनेगा, कॉपर की वैलेंसी 1 लोगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी जब 2 लोगे तो दोनों बन सकता है Cu2। सिमिलरली कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर नाइट्रेट Cu और NO3, कॉपर नाइट्रेट इसकी वैलेंसी 1 होती है इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्या बनेगा इसका 1 और 2 करो Cu NO3। बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि आप कल मॉलिक्यूलर फार्मूला कम से कम 100 मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे किसकी चीजों पर, सोडियम पर कॉपर पर कैल्शियम पर मैग्नीशियम पर सिल्वर पर अल्मीनियम पर, उसके बाद आप जितना इस पर लिख सके आप लिखिए, खूब गलती करिए कोई दिक्कत नहीं पड़ता, जितना गलती कर सको लेकिन करो, मेरा पर्पस है तुम करो, ठीक है? फास्फोरस पर सल्फर पर
आप ये सारे एलिमेंट पर एक एक एलिमेंट पर दस दस लिखे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई सल्फेट, सब लिखो। ठीक है, मेरी बात समझ गए? यस सर। आप इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। कल हमारा प्रैक्टिस क्लास चलेगा जिसमें हम शतक पूरा करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जितना मजबूत होगा केमिस्ट्री तुम्हारा उतना ही मजबूत होगा। उसमें कोई भी कंजूसी कर दोगे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, चाहे इसका या आगे की क्लास का। इवन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कमजोर है उस बच्चे की केमिस्ट्री कमजोर ही होती है, कभी बुरी नहीं हो सकती। जैसे जिस मकान के नींव में कंक्रीट नहीं है, हवा नीचे में बालू है, ऊपर कितना भी बढ़िया बिल्डिंग बना लो कमजोर, तो ये बात हमेशा रहेगी, आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों।